टीवी की जानी मानी अभिनेत्री देबुलीना भट्टाचार्य यानी कि गोपी बहू को तो आप सभी जानते ही हैं। टेलीविजन सीरियल साथ निभाना साथिया से फेमस हुई देबुलीना की गिनती आज सबसे महंगी कलाकार के रूप में होती है। आपने देबुलीना को अब तक रियल लाइफ में देखा है, लेकिन आज हम आपको उनकी रियल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। 22 अगस्त 1990 को असम के बंगाली परिवार में जन्मी देबुलीना ने गोदुला ब्राउन मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल असम से अपनी स्कूलिंग करने के बाद दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी की। देबुलीना ने बीकॉम के साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। टीवी एक्ट्रेस बनने से पहले देबुलीना एक ज्वेलरी डिजाइन कंपनी में वर्क करती थी। देबुलीना को एक प्ले माया के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला है। 2011 में NDTV के सीरियल सवारे सबके सपने प्रीतों से देबुलीना को पहला ब्रेक मिला। इनमें उन्होंने बानी का किरदार निभाया था। इस शो के बाद देबुलीना को स्टार प्लस के फेमस शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का रोल ऑफर हुआ, जिसने देबुलीना को फेमस कर दिया। देबुलीना ने 2010 में डांस इंडिया डांस 2 में भाग लिया। इसके बाद 2011 में उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला। 2012 में साथ निभाना साथिया ने देबुलीना को फेमस कर दिया और इसके बाद देबू ने कई सारे शो में काम किया जिनमें कुंडली भाग्य और लाल इश्क शामिल है। हाल ही में देबुलीना को बिग बॉस के सीजन 13 में देखा गया, जहां से उन्हें बहुत सुर्खियां मिली। देबुलीना और कंट्रोवर्सी को जोड़ा जाए तो दोनों का बहुत गहरा नाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका नाता देबुलीना से जुड़ा हुआ है। 2015 में एक खबर आई थी कि देबुलीना ने अपने को स्टार नवलीन कौर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। साथ निभाना साथिया के सेट पर भी देबुलीना ने अपने को स्टार विशाल के साथ बहुत झगड़ा किया था। देबुलीना का नाम मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन राजेश्वर उडाने के मर्डर में भी आया था। देबुलीना को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और फिलहाल बिग बॉस 13 से देबुलीना सुर्खियों में आ गई हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।